डिक्की में कहाँ देख रहे हो? लाइक मैं मॉल आया हूँ, मैं बॉम्ब तो डिक्की में ही रखूंगा क्योंकि ऑब्वियसली चेकिंग होती है। Hey guys, welcome to Brotomotive Vlogs. हम लोग आए हैं फिनिक्स मॉल पुणे में। मेरे को एक दो काम है छोटे में और एक घड़ी मुझे अच्छी लगी थी, वो अगर मुझे दिखी तो मुझे वो उठानी है। ऐसा ही ले लो दीदी। डिक्की में कहाँ देख रहे हो? लाइक मैं मॉल आया हूँ, मैं बॉम्ब तो डिक्की में ही रखूंगा क्योंकि ऑब्वियसली चेकिंग होती है। बंद है। हमारी कंट्री एक ही कंट्री है जहाँ पे बटन दबाने वाली मशीन जिसमें से ऑटोमेटिक पर्ची निकलती है, वो बटन दबाने के लिए एक आदमी खड़ा होता है। नहीं, आप क्या, जो ऑटोमेटिक पार्किंग की वो आती है ना स्लिप निकालने वाली मशीन, उसको मैं मैन्युअली ऑपरेट करता हूँ। भाई से गाड़ी नहीं संभल रही, मुझे लग रहा है लैग चल रहा है बेचारे। नहीं नहीं नहीं, वो ये वाला पिलर छू देगा जितना टर्न मार। अरे उसको बोलेंगे ना ब्रोटोमोटिव आएगा फिर। लगा 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 रे, इनको भी तो कंजूसों को देखो, इन्होंने ऐसी पार्किंग नहीं बनाई कि एक बारी में गाड़ी मोड़ सके। सच एन इजी जॉब। यहाँ पे मैं जब भी आता हूँ ना पार्किंग में, मेरा मन करता है ऐसा ड्रिफ्टे मार मार के टोक्यो ड्रिफ्ट रीएनएक्ट कर दे हम। प्रॉब्लम यह है, हमें ठीक से ड्रिफ्ट मारनी नहीं आती। हमारी एक्सयूवी यहाँ कहाँ से आ गई? ठीक है, हम गरीब है, हमारी पुरानी वाली है, वो बंदे ने 30 लाख में खरीदी होगी। और वो बंदा देख बेचारा रील्स में फंसा हुआ है, वो कंटेंट बिना खोले कंटेंट देख रहा है। क्या हुआ? बॉडी शॉप। हाँ, बॉडी शॉप वाला जोक यही हुआ था। आप हुई हो दो दिन से देख रहा हूँ यार। थैंक यू। अच्छा, दो ही दिन से देखा है? आप भी जस्ट जॉइन हुआ? मैंने अभी जस्ट जॉइन किया था। मैं आपके वो कार वाली पल्सर, वो अजर ऑरेंज वाला, अजर प्लीज एक फोटो मुझे वॉच दिखाओ ना, पहली वाली जो मैंने ली थी ना, उसमें एक क्रोनोग्राफ आई है PRX, बट ये बहुत महंगी है। देख पॉकेट वॉच भी बहुत ठीक कर दिया डायल। मुझे वैसे लगा वहाँ देख के। ऑटोमेटिक क्रोनोग्राफ है। मैनुअल क्रोनोग्राफ क्या होते हैं? नॉर्मल ऑटोमेटिक वॉच का थिकनेस कम ही रहता है। भाई बहुत थिक कर दिया है, पर सुंदर कितनी है? तो भी साइज कम ही कर दिया है, 42। तो 1,60,000 या 1,50,000 कितने की है? 1,49,000। अभी 163 हुआ है। मैं जब आता हूँ आपका 15% रेट बढ़ जाता है। 8% से बढ़ा है। सुंदर है और बहुत। ब्रेसलेट भी हैवी किया है ना शायद इसमें? सेम है ब्रेसलेट, सेम है, सिर्फ डायल का वर्जन है। ना ब्लू इसमें इतना खास है। 27 ज्वेल्स यूज किए घड़ी पे। मुझे घड़ियों का काफी ज्यादा शौक है, मैं बीच बीच में घड़ियां देखने आता रहता हूँ। बहुत बार लोगों ने कमेंट भी किया है वीडियो में कि आप 300 की PRX पहनते हो, मेरे पास जो है वो ब्लू डायल वाली है ये, और ये बहुत ही प्यारी घड़ी है। अभी इसमें नया वर्जन आया है क्रोनोग्राफ के, ये व्हाइट डायल ज्यादा अच्छा है ब्लू से, देखना। किसी को भी अगर घड़ियों का शौक है और एक अच्छी एंट्री लेवल वॉच चाहिए तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। मेरे ख्याल से 30,000 के आसपास की है। बहुत लोग बोलेंगे 30,000 एंट्री लेवल कैसे हुआ, तो एक्चुअली घड़ियों में एंट्री लेवल ही हुआ। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वॉच, एवर ग्रीन, और फिनिशिंग भी बहुत सुंदर है। वॉच बहुत जबरदस्त, इसमें जो मूवमेंट यूज किए ना बेल्जियस मूवमेंट है। 149। हाँ, सभी लग्जरी ब्रांड में देखने को मिलेगा। और कुछ डिस्काउंट? 4 लाख 5 लाख के रेंज में आता है। समझ लगा 4 लाख का डिस्काउंट दे रहे हो 1.5 लाख की घड़ी पे। बस इसके साथ साथ पीस में आए थे, दिग्गज बहुत पैसा है लोगों के पास। ये देखना ग्रीन कितनी प्यारी है। हाँ यार, लेदर स्टैंड देख कितनी सिंपल है। कोई कोई कलर इतने अच्छे होते हैं ना, ये ऑलिव जैसा कलर, ऐसे लग रहा है मैंने हाथ में घड़ियाल पहन लिया है। वो जॉन सीना पहन के आता था ना बड़े वाले चेक। 7 करोड़। 300 की वॉचेस आर लाइक ड्रग्स। घड़ियों का जिसको शौक है उसके लिए ये एडिक्टिव नशा है। मुझे ये भी दिखाना एक बार, ये रेक्टेंगुलर वॉच। ओ, ये थोड़ा सा कर्व है। कैसी लग रही है? ऐसे लग रहा है ना ओल्ड स्कूल स्मार्ट वॉच। ये कितने की है? 2500। कई घड़ियों के ना डायल्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े रहते हैं। तुम ये 300 से इंट्रोड्यूस क्यों हुए थे? बहुत टाइम पहले। तो लॉन्जियंस भी पसंद है, 300 भी पसंद है, कैसियो है, कैसियो तो एवरग्रीन टैग है। घड़ियों का शौक है मुझे, महंगी घड़िया लेने की हिम्मत नहीं है। अगर बिल गया ना यहाँ से पापा जूते से मारेंगे मेरे को। मेरे को अच्छी लगी यार। ठीक है, थैंक यू। मुझे एक्चुअली वाइट चाहिए था, पर आपके पास कौन सा है वो आप दिखा रहे हैं। हाँ, ये घड़ियाँ ऐसी हैं, इंसान खत्म हो जाएगा, घड़ी नहीं खत्म होगी ना। अभी 10 साल होने वाले ऑलमोस्ट। क्या होता है कोई कोई एकदम बहुत प्यारी लग जाती है। मैंने जितना सोचा था ये वाली पर्टिकुलर मॉडल उतनी नहीं।
जो रेंज मैन का मेरे पास मॉडल है ये इसमें नया आया है। इसमें दो वर्जन आते थे, एक ब्लैक और एक ऑलिव ग्रीन टाइप का। पर ऑलिव ग्रीन का प्रॉब्लम ये था उसमें नेगेटिव डिस्प्ले आता था। कलर बहुत सुंदर था पर जब उसको ऐसे सामने देखो ना तो कुछ दिखता ही नहीं था, लाइट ऑन करनी पड़ती थी तभी दिखता था। अभी इसका न्यू वर्जन आया है, सो दिस वॉज ब्लैक एंड रेड एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ ब्लैक एंड येल्लो। कभी कभी मुझे लगता है गाड़ियों की शोरूम के साथ घड़ियों का शोरूम भी खोलना चाहिए। पर रेंज मैन बहुत बढ़िया घड़ी है। ठीक है, थैंक यू भाई, वेलकम। कहीं भी छूने में ना तो डर लगता है स्टैटिक की वजह से। हमारे ऑफिस में मोस्टली ज़्यादा होता है ये ना, प्रो है। और किसी की गाड़ी दिखे ना दिखे, हमारी गाड़ी 1 किलोमीटर दूर से दिख जाती है। कहाँ है? हाँ दिखी 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 तुमको दिख गई, मुझे नहीं दिखी थी अभी तक। मैं डिटेलर हूँ, प्रोफेशनल, मेरा काम है छोटी छोटी चीजें इधर उधर से ढूंढ के निकालना। कुछ फोटोज खींची है मैंने ताकि तुमको पता चले कि तुम्हारी गाड़ी दिखती कैसी है। मैं रोज नहीं, नहीं बाहर से, लाइक तुम तो अंदर ही होते हो, देखने वाले को कैसे? कभी बाहर ही नहीं होता गाड़ी के, होते हो मोस्टली हमारी। वो यार मेरा ना जैसे थोड़ी थोड़ी टेंशन हो रही है मुझे यार, पापा की सर्जरी की। कोई नहीं, आज है 20 तारीख, आज पापा और मम्मी दिल्ली जा रहे हैं, पापा की सर्जरी है, पेसमेकर लगा है उनको। अब ये ऑलमोस्ट 16 साल हो गए हैं पेसमेकर लगे हुए, एक बार पहले भी चेंज हो चुका है, तो ये थर्ड इम्प्लांट है। थोड़ा सा घबराहट होती है। अरे राघव पापा को छोड़ने जाने वाला है अभी एयरपोर्ट। वो तो गाड़ी लगेगी ना? गाड़ी तो है, दूसरी गाड़ी भी है घर पे, पर हाँ गाड़ी लगेगी। मेरा एक सेकंड के लिए मन किया कि हम लोग भी साथ में चले जाते हैं, पर फिर काम भी देखना है, राघव और मैं अगर 10-15 दिन नहीं रहे तो वो भी दिक्कत है। और ये ऐसी सर्जरी नहीं है ना कि कुछ इमरजेंसी हो गया है तो सबको, मतलब समझ रहा है ना, फैमिली को उधर पहुंचना है। दिस इज अ प्री प्लान्ड सर्जरी, बट घबराहट नेचुरली होती है। एनी हॉस्पिटल जाना हो तो घबराहट शुरू हो जाती है। ज्यादातर लोग व्लॉग में क्या है ना, हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, इतनी एनर्जी, पता नहीं इतनी एनर्जी कहाँ से लेके आते हैं और इतनी एनर्जी की लाइफ में जरूरत किसको है। कभी कभी मुझे उस एनर्जी से इरिटेशन हो जाती है कि इतने खुश क्यों है भाई जिंदगी में। बट लाइफ एक्चुअली एक उतार एक चढ़ाव है। हम लोगों ने लास्ट टाइम इस बारे में बात की थी, याद है? याद है। अगर लाइफ में तुम हमेशा एक्साइटेड हो तो योर ग्राफ विल लुक फ्लैट, एंड अ फ्लैट ग्राफ इज अ डेड ग्राफ। उतार और चढ़ाव दोनों लाइफ में इम्पोर्टेंट है, हैप्पीनेस सैडनेस दोनों इम्पोर्टेंट है, टेंशन और मेडिटेशन दोनों जरूरी है। मैंने टाइम के साथ ये चीज रियलाइज की है कि क्या होता है पता है, लाइफ डजंट गेट इजी, वी बिकम टफ। हम ऐसे ऐसे सिचुएशंस लाइफ में डील करते हैं ना कि हम स्ट्रांग हो जाते हैं। और सर ब्रोमोटिव? ब्रोमोटिव यार प्लीज भाइयों, ब्रोटोमोटिव, ब्रोटोमोटिव प्लीज, ब्रोमोटिव मत बोला करो, दुख होता है, दिल से दुख होता है। हम पहले कुछ सेकंड के लिए खुश होते हैं कि हमें कोई मिला जो हमें जानता है, फिर वो ब्रोमोटिव बोलता है, कुछ ही सेकंड लग जाते हैं बस। तो अभी मैं ये रैंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें वहाँ पे 2-3 लोग मिले जिन्होंने सबने ब्रोमोटिव बोला। घड़ी नहीं मिली? हाँ तो घड़ी नहीं मिली, मतलब मैं ऐसे घड़ी लेने भी नहीं गया था, ये तो खाली मुझे थोड़ा सा माइंड अपना ईज करना था तो मैं चला गया मॉल। एक व्हाइट कलर की जी शॉक मुझे अच्छी लगी थी, उनके पास व्हाइट कलर तो नहीं था पर जो कलर्स थे मुझे वो फिट एंड फिनिश उतनी अच्छी नहीं लगी। फिर टीसो के आउटलेट में गया था मैं तो PRX मुझे बहुत पसंद है। ये वाली जो है ये क्रोनोग्राफ वर्जन है, अब ये ऑब्वियसली 3 गुना ज्यादा महंगी है बट जबरदस्त है। राघव पापा को छोड़ने कितने बजे जाना है एयरपोर्ट? निकल रहा हूँ बस 10-15 बजे। तो ऑक्टाविया ले जा प्लीज। और दूसरा मैं सोच रहा था ऑक्टाविया ले जा, घर पे छोड़ दियो और ये लेते आइयो XUV। पार्किंग का बहुत दिक्कत है यार, और हम लोग 4,000 square feet का शोरूम देखे थे और हम बोले थे इतनी जगह का हम क्या करेंगे भाई। बट सही में ठीक है, हमारी मेहनत में मानता हूँ, मेहनत के बिना कुछ नहीं होता, बट लोगों का सपोर्ट बहुत जबरदस्त रहा है। चल मैं जा रहा हूँ और तू राघव के साथ जा एयरपोर्ट, छोड़ दे पापा को। राघव रुक, क्या हो गया? मकड़ी होगी साहिल भाई, वही हो सकती है और क्या। मेरे जीवन में सिर्फ यही तो लिखा है कि मैं मकड़ियों के साथ ही बस। The one thing that I despise the most is what will never stop hunting me. क्या चीज़ बताओ यार, ये तो रोज चलती है। हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। मेरा वॉलेट इधर है ना, पैसे नहीं है, चल पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, चलो ले जा। यार ये एक चीज है, बाकी तो पता नहीं, बट पार्किंग में ढूंढना बड़ा आसान हो गया है।
कहाँ है? तुमको दिख गई, मुझे नहीं दिखी थी अभी तक। हमारे पास आगे जाके ऐसे कस्टमर ना आए जो सिर्फ इसीलिए अलग कलर कराना चाहते कि पार्किंग में जल्दी मिले। हम मॉल्स वगैरह बहुत घूमते जाते हैं तो हम ना पार्किंग के पिलर्स याद कर करके परेशान हो गए थे। फिर हम गए रोटोमोटिव और हमने गाड़ी को कराया अपने मनपसंद कलर में और अब हमारी गाड़ी पार्किंग में घूमती नहीं है। हम कभी लाइफ में कमर्शियल कराएंगे ऐसे ना, केबल टीवी पे आते थे वैसे टाइप, मोस्टली बर्तन वाले और वो चद्दर वाले नाइफ के सेट्स। इसके साथ अगर आपने अभी आधे घंटे में ऑर्डर डाला तो आपको मिलेगा नाइफ का एक पूरा सेट एकदम। यार तुम तो बहुत बढ़िया कर रहे हो यार। ब्रो ऑटोमोटिव में गाड़ी पेंट कराई तो आपको मिलेंगे ये नाइफ सेट कम्प्लीटली फ्री, पर मैं करूँ क्या उसका? गाड़ी काटू बैठ के? नमन को बैठ के मैंने इतनी डिप्रेशन दिया ना भाई। क्यों? मैंने फाइनेंसेस एंड लाइफ के बारे में मैंने पूछा, मैं कहता हूँ कब फाइनेंशियली फ्री होके रिटायर करना चाहता है, 50-55? बोला नहीं मैं तो 45 सोच रहा था। मैं बोला अच्छा ठीक है 45। मैं कहा महीने के कितने पैसे बचा लेते? कहता 10-15 हजार रुपए। मैं कह रहा तो 10-15 हजार रुपए भी बचाता है ना, और उसमें तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा और तू विद टाइम इंक्रीमेंटल सेविंग कैलकुलेट करेगा तो तू ज्यादा 1 करोड़ रुपए होंगे तेरे पास 45 की उम्र में। कहता हाँ। मैं कहा दिन का 7-8 हजार रुपए तो खर्चा पकड़ ले, घूमने फिरने जाएगा अगर रिटायर होके तो होटल होटल का खर्चा हो गया, घूमना हाँ। फिरना खाना हो गया, तो ज्यादा तो 3-4 साल वो पैसा यूटिलाइज कर पाएगा। तो नमन की ना ऐसे तो नमन ऐसा हुआ क्या? फिर क्या करूंगा मैं? फिर काम करना पड़ेगा। तो रिटायर कैसे किया? बेचारा आधे घंटे से उसी में डिप्रेस था, वो उसे समझ नहीं आया, उसके ऊपर बाउंसर चला गया ऐसा। सार ये था कि उसको समझाना था कि पैसे सेविंग वगैरह चालू करो, लाइफ में बेटर डिसीजंस लेना चालू करो। वहां से बात घूम फिर के वहां तक पहुंच गई, बेचारा डिप्रेस हो गया एंड तक। कई बार अच्छा रहता है यार थोड़ा बीच बीच में दोस्त। ये आई ओपनिंग बहुत जरूरी है। मोस्टली मैंने कहा तो मैं ये नहीं चाहता तू सब कुछ त्याग त्यूग के साधु बन के बैठ जाओ और मतलब ड्रास्टिकली लाइफ चेंज कर, बट एटलीस्ट उस डायरेक्शन में सोचना चालू करो। You have to take better decisions in life. अगर तू कहीं पे miscellaneous खर्चे कर रहा है ना महीने के ऐसा 6-8 हजार रुपए, अगर वो miscellaneous खर्चे ना करके तू saving करता है ना तो you'll have 25 lakh rupees more at the time of retirement. And after investment when you calculate and compound, वो 25 lakh rupees 50 lakh rupees बन जाएंगे। मैं कहता हूँ इट्स अबाउट स्मार्टर डिसीजंस नथिंग एल्स। मैंने उसको ये भी समझाया, मैं बोला अगर तू आज 20-22 साल का है तो मैं तेरे से 8-10 साल बड़ा हूँ, 8-10 साल बाद तू मेरी पोजीशन पे होगा और मैं चचा बन चुका हूँ। तो तेरी वो चचा बनने की पोजीशन में 8-10 साल का ही फर्क है, 20 साल का नहीं है। क्योंकि 8-10 साल बाद तू जब मेरी पोजीशन पे होगा यू हैव टू बी फाइनेंशियली साउंड इन ऑर्डर टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और आई वुड से टेंशन फ्री व्हेन यू आर चचा 40 ईयर्स ओल्ड। तो उसका दिमाग ना ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया बेचारा। डोंट बी इन अ पोजीशन या तो जो मजबूरी में ये सब करना पड़े जो हम आज कर रहे हैं। मैं कहा यू शुड बी कॉशियस अबाउट दीज थिंग्स एट अ मच अर्लियर टाइम इन योर लाइफ एंड इफ यू स्टार्ट टेकिंग बेटर डिसीजंस तो वो बेटर डिसीजंस तुम्हें 15-20 साल बाद रंग दिखाना चालू हो। फाइनेंशियली स्पीकिंग अपने महीने के जो मिसलेनियस खर्चे है ना वो अपनी सैलरी के 10-20% से ज्यादा नहीं होना, जो मतलब सरप्लस स्पेंड है जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है बट यू कांट लिव विदाउट इट। Like you have to, you want to do it. चाहे वो फोन हो, चाहे फोन की EMI हो, चाहे कपड़े हो, चाहे जूते हो, चाहे whatever हो, सैलरी की 10-20% से ऊपर नहीं होना चाहिए। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, मैनेज योर फाइनेंस विद राघव हंस। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो हेलो हेलो, कुछ नहीं बढ़िया, उसकी धक धक हो रही है, क्यों भाई? होता है थोड़ा बहुत तो होता ही, मेरे को भी हो रहा है, 2 दिन से हो ही रहा है मेरे को, मगर दिल्ली पहुंचूंगा, लैंड करते ही ना ठीक हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर के जूरिसडिक्शन में आते ही ना वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। एक दुकान है बहुत मशहूर है और वो चाय में रसगुल्ला डाल के देता। आपने खाई है? मतलब पी है क्या? वही हाँ। कैसे थी? बहुत पी है, बचपन में बहुत पी है, अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं बता नहीं। और ये ग्लूकोज बिस्किट पार्ले जी खाते हो? ये पहले नहीं चलता था, इसका एक आता था ग्लैक्सो का मिल्क बिकीस, वो आता था बड़ा टेस्टी होता था, पैकेट खोलते थे पानी का ग्लास लेते थे डुबा के खाते थे। जन्नत, वाकई मस्त बिस्किट था यार, जन्नत, पानी में डुबा के खाने का मजा अलग। पानी का नहीं पता बट बिस्किट बढ़िया, पानी में, पानी में ये पार्ले जी डुबा के खा के देखियो। बाट बिस्किट की है ही नहीं, पानी बाट बिस्किट की पानी में, कोई भी बिस्किट खा तो। जो मैरीगोल्ड आता है ना उसका एक थिन एरोरूट बिस्कुट आता था बहुत चलता था, मतलब जिसको देखो
वो लेके वो ऐसे ऐसे वो कटा हुआ होता था, वो थोड़ा हार्ड होता था बिस्किट, वो पानी में डुबा के खाने का मजा ही अलग, जन्नत जन्नत। क्या तुमने कभी ये सब देखा ही नहीं है क्या? पानी में डुबा ये लोग नहीं खाए नहीं होंगे, लेकिन बिस्किट तो देखे होंगे। इनकी किस्मत में ही नहीं था, मुझे चाहिए भी नहीं अच्छी किस्मत। पानी में डुबोगे अभी भी तू एक काम करियो, कल पार्ले जी खाएगा ना पानी में डुबो के खाना, तू देखियो मैं मेरी बात निकाल देना साथ साथ, नहीं तो नीचे गिर जाएगा। वो पी लेंगे ना पानी का दर्द में। और हमारी मिठाई फेवरेट क्या होती थी मालूम है? उस टाइम तो खाने को नहीं मिलता था मीठा बेटा। आज जैसे मैंने घी बनाया, मैं महीने में दो बार बनाता हूँ, तीन बार। वो घी जब बनाते हैं ना, मक्खन पहले बनता है, मक्खन व्हाइट मक्खन देखा है ना, पहले व्हाइट मक्खन बनाता हूँ, व्हाइट मक्खन बन जाता है तो उसको फिर गर्म करके घी बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो घी जब बन जाता है उसका वो पार्टिकल्स रह जाते हैं उसमें, उसको चीनी मिक्स करके उसमें खाऊं। अरे वो जो ब्राउन ब्राउन yes. हाँ वो तो हम भी खाते हैं उसको, कोई कलाकन नहीं, वो हम लोग कलाकन नहीं, कलाकन कुछ और है ना, कलाकन कुछ और है, कलाकन जैसा ही ये के मलाई बोलते हैं उसको, वो बच्चा कुछ कुचरन होती है, हम कढ़ाई से निकाल निकाल के उसमें चीनी मिक्स करके खाते थे। उस टाइम तो हमारे लिए वही रसगुल्ला बर्फी जो मर्जी बोल लो, क्योंकि उस टाइम में खाने को क्या होता था, दाल मिल गई, सब्जी मिल गई, रोटी मिल गई, बहुत है। चलो मैं जा रहा हूँ, ठीक है, चल चलो भाई, इसको समझा दूंगा मैं, ठीक है। देखिए प्यार नहीं यार, गीली गीली पुच्छा देते यार, ये अक्षय कुमार वाली सूखी वाली तुम। चला जा गीली पप्पी, देखिए फिर वही कर रहे, मत करना ना, मत सीधे गले लग, नॉर्मल मैं तो चल ही रहा हूँ साथ। नेक्स्ट सारे सेंटी कंटे पागल। परसों सुबह एडमिट करेंगे मेरे को, मतलब है 22 को एडमिट होऊंगा, 23 को ऑपरेट करेंगे, 23 से एक रात 24 तारीख तक वो बड़ा पेनफुल है, वो रखेंगे आईसीयू में मेरे को। क्या 8 किलो का बैग ना, सैंड बैग इसके ऊपर रख देते हैं, वो बड़ा पेनफुल होता है। उसके बाद फिर ये लोग 24 को ना मेरे को रूम में शिफ्ट कर देंगे, 25 को दोपहर को फिर डिस्चार्ज कर देंगे। अब जब तक तुम नहीं रहोगे लॉग्स में, तब तक के लिए मैसेज देना चाहोगे? ये उन लोग की दुआएं हैं जिसकी बदौलत हम लोग ग्रो भी कर रहे हैं, अच्छे से चल भी रहे हैं, और मैं आज बहुत गर्व फील करता हूँ अपने आप में कि वाकई कुछ ना कुछ लोगों की तो दुआएं लगती होंगी ना, उनका प्यार मोहब्बत ही बहुत है हमारे लिए, उनको मैं थैंक्स बोलूंगा, मेरे लिए दुआ करना, प्रार्थना करना मेरे लिए। बाकी वीडियो तो आप देखते रहो, लाइक करते रहो। अभी भुवनेश्वर गया था, वहाँ मिले थे मेरे को काफी, वहाँ पे रोड पे ही पकड़ लिए मेरे को, मतलब हम बोलते रहते हैं सबको, आप देखो आपके व्यूअर्स कितने हैं उड़िया अभी, आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। लोग पहचानते हैं, प्यार करते हैं, सबसे बड़ी चीज है प्यार करते हैं, जो कमेंट्स लिखते हैं ना वाकई दिल खुश हो जाता। बस आप जल्दी वापस आ जाओ, जल्दी आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, जितना फास्ट ड्राई होगा ना उतनी जल्दी वो छोड़ देंगे, और जितना जल्दी हील अप होगा उतनी जल्दी मैं कोशिश करूंगा आने की, वापस 6-7-5 जितना जल्दी निकल सके आ जाएंगे वहाँ से। कल का दिन रेस्ट करूंगा मैं, इसलिए एक दिन एक्स्ट्रा रख लिया, कल का दिन थोड़ा रेस्ट करके ना वो सेटल डाउन हो जाता है। क्या होता है, हुड़ा दफड़ी में भाग के गए, नींद पूरी हुई नहीं, फिर वहाँ हॉस्पिटल जाने से ऑटोमेटिकली बीपी शूट करता ही करता है 100%। चाहे जितना मर्जी तुम अपने आप को तसल्ली दे दो, मगर जब वहाँ पहुँचता है ना आदमी तो ऑटोमेटिकली चेंजेस आ जाते हैं। पापा का है ऑपरेशन पेसमेकर, उनको लगा था 2007 में, सब कुछ प्लान्ड आउट है, कहाँ पे जाना है, किस तारीख को ऑपरेशन है, कहाँ एडमिट होना है, सब प्लान्ड है, तो हम दोनों में से किसी की जाने की जरूरत नहीं पड़ी आज सच, पर वी आर ऑलवेज अवेलेबल, अगर कुछ ऐसा लगा तो हम भी फ्लाइट पकड़ के फटाफट पहुँच सकते हैं। तो अभी वो लोग जस्ट निकले हैं और लैंड करेंगे, कल आराम करेंगे, एंड देन परसों उनका ऑपरेशन है, होपफुली सब बढ़िया रहेगा, आई एम पॉजिटिव अबाउट इट। बाकी आप भी कमेंट सेक्शन में विश कर देना पापा को अगर कुछ बोलना हो तो। अभी अंकल एयरपोर्ट, मतलब अभी तक एयरपोर्ट पे होंगे, तुम कॉल कर सकते हो। मैंने किया, बात हुई नहीं, मैं उनको बोला पहुंचने के बाद फोन करो। अभी तो मैं मिल के आया हूँ घर से, अभी वो एयरपोर्ट पहुंचे तो मैं फोन करूँ, फिर वो फ्लाइट में बैठेंगे तो वो मैसेज होगा, फिर वो दिल्ली पहुंचेंगे तब हम बात करेंगे, इस पूरे दौरान बीच में 3 घंटे होंगे। अभी
फोन भी महंगा वाला है भाई, इसको कुछ काम नहीं, फोटो लेना है। हाँ तो फोटो ले रहा हूँ ना मैं। हाँ उन्हें उड़ाए क्यों बरवाल आप से इंतजार क्या मेरे छे आते क्या यार, वीडियो डाले हुए 10 मिनट हो गए मुझे लगा और भी काम होते हैं ना, दूसरी जगह डाल रहा हूँ, डेटा साफ कर रहा हूँ, आखे के ऐसे डिवाइड करके करूँ दो काम एक साथ। देखिए वो ग्रोन अप्स में वो रहता है। देख रहे सर साहब बैठे हैं केबिन में, बोले ही गर्मी लग रही थी उधर तो एसी चला के बैठे हैं। ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी से ये साइक फेस्ट पुई पुई बेटा। यस अंकल जी ऑल द बेस्ट, जल्दी वापस आना। अभी जो तूने वीडियो डाला एक बहुत अच्छा कमेंट ऑफ द डे आया है, यू टू आर परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हाउ टू ब्रदर्स शुड लिव टुगेदर, लॉट्स ऑफ लव। क्या इतना दुखी क्यों है तू? ठीक है मुझे अच्छा लग रहा है भाई, हम लड़ते भी हैं वैसे बहुत ज्यादा और एक दूसरे को इरिटेट भी करते हैं, मैं ज्यादा इरिटेट करता हूँ इसको पर उसी में मजा है। क्या हुआ? Why don't you guys? नहीं नहीं है इतना ही था, अभी हम गरीब हैं, अभी 10 ही कमेंट आए उसमें से 9 है फर्स्ट है। क्या कर रहा है तू यार, वॉलपेपर तो मस्त है यार तेरा, वॉलपेपर मस्त रहते हैं।